ऊपर शिवपाल यादव आ चुके हैं और कार्यकर्ता उनके किस तरीके की भीड़ है देख के अपन से ज़्यादा है क्या? तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिवपाल यादव फिरोजाबाद में आ चुके हैं और फिरोजाबाद में उनका आगमन हो चुका है। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में वो शिरकत करने के लिए आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे फिरोजाबाद के कार्यकर्ता तमाम उनके चाहने वाले लोग उनको उनका स्वागत करने के लिए कोई फूल कोई बुके दे रहा है। लगातार आप पीछे देख सकते हैं शिवपाल यादव फिरोजाबाद में उप लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार शिवपाल यादव फिरोजाबाद के अंदर उनका आगमन हुआ है। और अच्छा वैसे गणतंत्र दिवस की आप बता देना सबको। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार उनको उनके कार्यकर्ता जो हैं वो उनको उनका उनको स्वागत कर रहे हैं। उनका कोई फूल दे के स्वागत कर रहा है, कोई बुके दे के स्वागत कर रहा है, कोई उनके पैर छू रहा है। लगातार उनसे कार्यकर्ताओं का जो कार्यकर्ताओं का मिलाप है वो हो रहा है। लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं छुट्टन भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार शिवपाल यादव के साथ तमाम कार्यकर्ता फोटो खिंचा रहे हैं। हम आगे बात भी करेंगे शिवपाल यादव जी से तमाम बातों को लेकर और आइए उनसे मुलाकात। Thank you.
कैसे तुम कैसे बैठे हो मैं साथ अब तक ही आया मेरे मेरे से आप आया अरे तुमने नहीं कहा क्या मैं आप आया मुझे भी ले लो ऊपर अब तो सही है हाँ मन के लिए या तेरे भजन से भजन से मन के लिए सेलिब्रिटी है ये सेलिब्रिटी है उनसे भी ज़्यादा आराम से राजकुमार भैया Yeah.
गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं। एक ही सवाल पूछ सेलिब्रिटी है उनसे भी ज़्यादा आराम से राजकुमार भैया भैया चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो हम सब लोग गणतंत्र दिवस को बहुत खुशी खुशी से मनाएंगे और प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज पठान फिल्म रिलीज हुई, कई जगह इसका विरोध किया गया, शो रद्द हुए, जब सेंसर से पास फिल्म है तो विरोध क्यों और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सेंसर बोर्ड है, जब सेंसर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, तो जब सेंसर बोर्ड में जब गया था तब इस पर जो भी सोच विचार करना चाहिए था, और कहीं किसी भी ड्रेस पर, किसी भी कलर पर, किसी भी रंग पर अगर इस तरीके का, अगर कहीं पर भी इस तरीके का विरोध किया जाएगा तो बहुत सी उसमें अव्यवस्थाएँ आएंगी। तो ये देखिए नहीं उठाना चाहिए। सर, मेरा आखिरी प्रश्न है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर लोग समर्थन करें तो भारत को हिंदू राष्ट्र में बना सकता हूँ। देखिए, हमारा देश सेकुलर देश है, ये संविधान का हिस्सा, संविधान में ये अधिकार दिया गया है, तो इसमें जब संविधान का विरोध है, किसी को अधिकार नहीं है संविधान का विरोध करने का, किसी को अधिकार नहीं है। तो अभी आपने देखा, हमारे पीछे हमने बात की शिपाल यादव से, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, पठान फिल्म के ऊपर भी उन्होंने बात की, और जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी बारे में उन्होंने अपनी राय रखी। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, फिरोजाबाद।